हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपम। चलिए बनाते हैं। एक कटोरी चावल का आटा, दो बड़े चम्मच सूजी, आधा कटोरी दही, बारीक कटे टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब एक बाउल ले लें, इसमें चावल का आटा डालें। अब इसमें सूजी डालें, आधा चम्मच नमक डालें, आधा चम्मच चीनी डालें। अब इन सभी को अच्छे से मिला लें। अब इसमें दही डालें और दही को भी इसमें अच्छे से मिला लें। अब इसका बैटर बनाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें लम्स ना पड़े और एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसका अच्छा सा घोल बना लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालें, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, हमें कुछ इस तरह का बैटर चाहिए। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा बैटर अब बिल्कुल बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें उत्तपम के लिए चाहिए। अब जितने उत्तपम आपने बनाने हैं उसके हिसाब से एक कटोरी लें, उसमें बारीक कटे प्याज डालें, बारीक कटे टमाटर डालें, बारीक कटी हरी मिर्च डालें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालें, एक चुटकी मिर्च पाउडर। अगर आप यह बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब एक नॉनस्टिक तवे पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएं और बैटर डालने से पहले तवे को अच्छा सा गर्म कर लें। अब इस पर अपना बैटर डालें और तवे पर अच्छे से फैला लें। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब इसके ऊपर कटे हुए प्याज और टमाटर डालें। अब इसके ऊपर एक चुटकी नमक डालें, एक चुटकी लाल मिर्च डालें। मैंने यहाँ एक चुटकी धनिया पाउडर भी डाला है, ये ऑप्शनल है। अब इसके साइडों में रिफाइंड ऑयल डालें, थोड़ा सा ऊपर भी डालें। अब इसे ढक दें और एक मिनट तक पकने दें। एक मिनट के बाद इसे चेक कर लें। अब हम इसको पलट लेते हैं, तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इसको दूसरी तरफ से भी सेक लें। अब दूसरी तरफ भी रिफाइंड ऑयल लगा दें। अब ढककर इसे भी एक मिनट के लिए पकने दें। एक मिनट के बाद इसे देख लेते हैं। अब इसे पलट दें। देखिए, उत्तपम बनकर अब तैयार है। इस पर हमने जो प्याज और टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।